हेलो गाइस, आई थिंक ये बैकग्राउंड और ये सेटिंग काफ़ी फेमिलियर है. सो आई एम बैक इन इंडिया, बैक टू आर प्लेस. एंड 2-2.5 महीने के बाद वापस आओ तो काफ़ी अच्छा भी लगता है. यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू क्रिएटेड समथिंग एंड इट्स गुड टू बी बैक. ऑलवेज अपने देश में आके अच्छा ही लगता है हमेशा. एंड यू नो व्हाट, यू व्हेन यू गो आउटसाइड यू रियलाइज कि व्हाट ऑल यू हैव. मैं ये भी कहना चाहूँगा. सो बैकग्राउंड के बारे में आप काफ़ी लोग बोलते थे कि बैकग्राउंड्स बदलते रहते हैं. बिकॉज आई वॉज इन UAE, आई वॉज विजिटिंग प्लेसेस, मीटिंग इन्वेस्टर्स. एक तरह का वो रेकी ही था जो हम कर रहे थे. वहाँ पे भी कुछ वर्क ऑर्डर्स देखे हैं. कुछ बिजनेस ट्रिप टाइप ही था ये, और सेल्फ फंडेड था क्योंकि हमारा कोई माई बाप तो है नहीं जो हमें फंड करेगा. मतलब तो एक रिस्क था, वी टुक दैट. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. एनी वे, स्पीकिंग ऑफ रिस्क, PSU banks, okay? So PSU banks में there are two kind. वैसे तो you guys know me very well. I would never track PSU sector. Sector अलग है, PSU banking sector बोल रहा हूँ मैं तो track नहीं करूँगा. लेकिन उसमें जैसे SBI फिर भी एक लिहाज से आप बोलो काफ़ी चल गया. The problem is not with the bigger PSU banks. The problem and froth and overvaluation is with the smaller PSU banks, जिनका प्राइस टू बुक रेशियो 4-5-6 पे आ गया है और उनके अर्निंग्स जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं और प्राइस भी 4-5 times चला गया है. सो दैट इज़ अ क्लियर फ्रॉथ इन द मार्केट. और वो फ्रॉथ आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप लेवरेज पोजीशन लेके बैठे हैं. कब बाज़ार इन इस तरह की बैंक्स को पनिश करेगा, ब्रूटली पनिश करेगा, नन ऑफ अस विल इवन कम टू नो गाइस. मतलब ये ओवरनाइट हो जाएगा. प्राइवेट बैंक्स में ही इतनी बड़ी मारकाट होती है. आप देखो, AU बैंक का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. इट्स अ प्राइवेट बैंक, नॉट PSU, बट एग्जांपल के तौर पे AU बैंक का एक क्वार्टर का नतीजे 0.25% खाली एस्टिमेट से नीचे आया. विद इन अ डे 7:36 पे वो बंद हुआ था उस दिन, और अगले दिन जब ओपन हुआ वो सीधा 100 रुपये नीचे. मतलब ओपनिंग 15% डाउन. सो किसी को मौका ही नहीं दिया उसने शॉर्ट्स कवर करने का या फ्रेश शॉर्ट्स बनाने का, मौका ही नहीं. बैंकिंग सेक्टर में यही प्रॉब्लम है कि आपको पता भी नहीं चलेगा रातों रात अगर आप गलत बैंक लेके बैठे हो. आई डोंट वांट टू नेम एनी, इट्स नॉट फेयर एंड इट्स नॉट इवन अलाउड टू पिन पॉइंट स्टॉक नेम्स और टेक स्टॉक नेम्स बिकॉज आई डोंट रिसर्च इन दिस सेक्टर. बट बहुत लोगों ने पूछा था आप लोगों में से कि कहाँ करेक्शन ज़्यादा आ सकता है. तो ये डेफिनेटली ये एक सेक्टर है. PSUs में नॉट द लार्जर बैंक्स, द बैंक्स विच आर सो कॉल्ड डार्लिंग्स ऑफ द PSU सेक्टर, SBI वगैरह, वो नहीं. लेकिन जो छोटे मझोले बैंक्स है जहाँ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी उतनी अच्छी नहीं है, अगेन नॉट टेकिंग नेम्स बट जस्ट लुक वेयर अर्निंग्स हैव नॉट कम इन द लास्ट 2 quarters. प्राइस टू बुक रेशियो 5-6 के ऊपर निकल गया, जो एक टाइम पे 1 या 2 का हुआ करता था. वो अंडर वैल्यू PB था, प्राइस टू बुक था, अभी ऊपर निकल गया. एंड अर्निंग्स नहीं है एंड उसका स्टॉक प्राइस भी 5-6 times हो गया है लास्ट 1 year में. तो ये तीन, इवन इफ़ यू चेक दिस 3 correlation, चेक, देन आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू शुड कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड टेक अ कॉल. एंड इसी बारे में मेरा ये वीडियो था, शॉर्ट वीडियो. वेरी सून वील प्लान अ लाइव सेशन ऑल्सो. अभी बाकी सब एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे. एंड नेक्स्ट वीक हम सबके लिए एक और सरप्राइज है जो मैं आपको बताऊँगा, प्रीमियम मेंबरशिप से रिलेटेड. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. लाइव सेशन में और खुल के बातें करेंगे. एंड तब तक के लिए टेक केयर.